वालेकुम अस्सलाम। वो मैं और हया शॉपिंग के लिए जाए थे, सोचा नया आपको भी साथ ले जाए। तो नया तूने तो पहले ही अपने चाचा से इजाजत ले ली। हाँ, सोचा होगा ना कि मेरा तो इस घर पे कोई इख्तियार ही नहीं है। सौतेली माँ जो ठहरी है ना। चाची कैसी बातें करी, मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। वो चाचा के पास मोबाइल है ना, तो कॉल उनको कर ली। आपके पास मोबाइल होता तो आपको कॉल कर दी ना। नायब कहाँ पोचा लगा रही है, पूरे काम करेगी तो आएगी। चल गाड़ी में बैठ जा। मम्मा मन्नत बाजी आपको मुंह चढ़ा रही है। क्यों नहीं चढ़ाएगी मुंह मुझे? अरे सौतेली बेटी की जो सहेलियां ठहरी। तौबा यार, सारे जमाने से लड़ सकती है, इच्छा थोड़ी नौगिन से नहीं लड़ सकती है। आज हाथ में कुछ नहीं था, अंदर ही जाने दिया। सफाइयां करी है वो, जब तक सारे घर का काम खत्म नहीं हो जाता आने नहीं देगी उसको। देख लेना ये आवारा गर्दियां, ये घूमना फिरना एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। अरे जरा देखो तो सही, दुल्हन को कैसी आवारा लड़कियों की तरह गलियों में घूमती फिर रही है। बात सुन, पोचा लगा, पूरे बर्तन धो, फिर जाएगी तू यहाँ से। मैं भी देखती हूँ आज निकलती कैसे है। वैसे गन असली होती ना तो तेरी सुतेली माँ को मैं इसी से मार देती। तू एक काम कर, किसी दिन ना खाने में जहर डाल के दे दे उसे, किस्सा ही खत्म हो जाए यार। अब उसे ही रह गया ना, जहर मिला दो। वैसे हाथों की लकीरों में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन खून की लकीर निकाली जा सकती है। हाय मेरी शबनम, जिंदगी में पहले इतने गम है, ऊपर से इतनी दुखी लाई ना। शादी वादी नहीं होने देगी। साइड में रोकिए जी गाड़ी। ऐसे क्या मसला है? ये रोकने को कह रहा है। क्या क्या मसला है इसको, क्या कर रहा है? ये क्या किया ये? क्या? पानी क्यों फेंका ये? हमने तो नहीं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? पानी क्यों फेंका? पानी ये सूख जाएगा, तो तेजाब थोड़ी ना फेंक दिया है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, इन्होंने मुझ पे पानी फेंका। मैंने अच्छा फेंका पागल। एक सेकंड, तुम चुप करो, बात कर रहे हो। अच्छा भैया साइड पे अभी क्या है? क्या मसला है भाई, क्या शोर शराबा मचा रहा है आप लोगों ने? मुझ पे पानी फेंका। अच्छा नहीं सर, देखें वो जो फ्रंट सीट पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई ना, इधर इधर वाली सीट पे, ऑरेंज दुपट्टे वाली, हाँ थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। मैं पागल खाने से उसे सीधा लेकर आ रही हूँ यहाँ। ये मेरे बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही। अब कोई पागल तो नहीं मानेगा कि वो पागल है? जब इतनी खतरनाक पागल है तो कम से कम गाड़ी का शीशा वगैरह तो बंद करके रखे। पागल नहीं हूँ। अच्छा हेलो, नहीं नहीं तुम चुप करो ना। अबे यार मैं आ रही हूँ, चुप करो ना। माँ बाप है ना, कोई आगे पीछे है, मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ, तो प्लीज आप पे मैं ख्याल रखूँ। यार लड़कियाँ माफ कर दे। थैंक यू सो मच। मैं कुछ नहीं, थैंक यू गाइस, आर अमेजिंग, थैंक यू। क्या मतलब है मन्नत? हाँ क्या हल तो होती है? अबे तुम लोग ऐसे देख रहे हो, तुम पागल खाने से नहीं आए, तुम्हारी माँ किसी पागल से काम है? इसी काम से मारोगे ये बिश्को? हो गया बिल। सुनिए सिंगल है आप? क्या एज है आपकी? 28। ओह आई एम सो सॉरी, आप हमें बिल्कुल समझ नहीं आए।
अपनी बात नहीं करी, मैं अपनी दोस्त से पूछ रही थी कि शायद कोई बात बन जाती, पर नया तुम्हारी शादी देखना मैं ही करवाऊंगी, ये ना सिर्फ इसी तरह बातें करती रहती, तुम देख ले। नहीं, इसको बस आदत है कि हर जगह मेरा तमाशा करे। हर जगह मजाक कर रही हूँ, अभी चलना यार। अच्छा, क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है, मजाक चलता रहता है। थैंक यू सो मच, आपने इनका दिन मना दिया है। तुम आगे बैठो, रखना विजय। थैंक यू। हेल्प कर सकता था? हेल्प कर सकता हूँ मोबाइल चार्ज करने में? ओके ओके, इसको मैं ही संभाल सकती हूँ। दीजिए, मैं कर लेता हूँ, प्लीज। तो खराब हो गया, आपको नया लेना चाहिए। हाँ, हाँ, चीख चीख के मेरा गला बैठ गया, तीसरा मग है मेरा, तुम लोगों को पता है कि क्या हो रहा था यहाँ? मत कर, मत क्या ना करना, क्या हो रहा था? सच बताओ, बताइए ना वजह मियाँ। हम आपकी बुराई कर रहे। अच्छा ऐसा, मतलब कि आप दोनों में बात यहाँ तक आ गई है कि मेरी बुराई हो रही थी। और मैं इसको ये कह रहा था कि कैसी दोस्त हैं तुम्हारी, मतलब एक अच्छा सा डिसेंट सा फोन भी नहीं दे सकती, हद होती है भाभी कंजूस पर की, सच में यार। मन में क्या चल रहा है सब समझ आ रहा है मुझे, हद होती है। तो इतने पैसे को आग लगानी वजी मियाँ, दे देना भाभी की बेस्ट फ्रेंड को मोबाइल। आपकी दोस्त है, आप ही दिला दे। अच्छा तो एहसास किसको हो रहा है? बातें कर रही थी, बोलना। मगर पहले दूल्हे को खड़ा करें, मैं फिर तैयार हूँ। दूल्हा आप दुल्हन के साथ डांस करेगा, आप करेंगे नायाब के साथ? नायाब आइए, चलो हया, नायाब और वजी, बड़े भैया, बड़े भाई अपनी बेगम के साथ करेंगे। भाभी देखो, भाभी ऐसा जैसे मेहमान आए हैं। चलो यार, उठो ना यार, मेरा गला बैठ गया बोल बोल। चलो भाई, चलो पेयर्स बनाएंगे। नायाब, वजी मियां, मैं क्या आपके लिए इनविटेशन लेकर आऊं? हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आप भाई, हमारे मियां तो परदेश में, हम क्या करेंगे? हम आपका डांस देखेंगे। अच्छा, अपनी इकलौती नन की शादी पे नहीं आप डांस करेंगे? यार मैं तालियां बजाऊंगी ना, क्या होगा? होने वाले दूल्हा ये आपका पितर देते हैं, और आप आ जाए आ जाए आ जाए चलो 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 हमारे साथ। ओके, ऑलराइट, ओके, म्यूजिक। तो भी लगता है इसका भी टांका फिट हो जाएगा, मैंने बीवी की तरह अपने ना वो छोटे साहब के साथ देखूंगा। अगर वजी साहब ने शादी नहीं की ना
तो कसम से मैं कर लूंगा इससे शादी। अबे क्या हो गया तुझे, पागल वागल तो नहीं हो गया? किसी ने सुन लिया ना तो जूते पड़ेंगे तुझे। मैं क्या हो गया, ड्राइवर है तू, अपने औकात में रह। क्या हुआ, अभी तक आई नहीं? सो जाओ, आ जाएगी। क्या कह रही है, कहां तक पहुंची? वो फोन नहीं उठा रही। वाह, रात का 1:30 बज रहा है और जवान बच्ची का पता ही नहीं है। उसकी सहेली की ढोलक है तो बच्चियां बैठती हैं, गीत गाती हैं, मौज मेला तो देर तो हो ही जाती है ना। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम यहाँ से वहां क्यों टहल रहे हो? देखो रमजान अहमद, तुमने मुझे हमेशा अपनी बेटी के मामले में कभी कुछ बोलने ना दिया, हमेशा मुझे सौतेली माँ बनाकर साइड पे ही रखा। लेकिन एक बात बता दूं, जो तेजी औरत की नजर में होती है ना, वो मर्द अपनी नजर में कभी पैदा नहीं कर सकता। और अब ये जो तुम्हारी बेटी ने अमीर जादियों से दोस्ती लड़ाई है ना, देख लेना ये किसी ना किसी दिन मरवाएंगी। कैसी बातें कर रही हो शमसा, इतनी प्यारी बच्चियां हैं, आज के जमाने में मिलती हैं ऐसी दोस्ती, वो भी इतनी बेगैरत। ओ दोस्ती, दोस्ती की कौन बात कर रहा है, बात कर रही हूँ मैं मयार की। अब तुम्हारी बेटी का मयार आसमान से बातें करेगा। और ये जो मन्नत है ना, इतनी कोई चालाक लड़की है, देखा कैसे अपने दोस्त का जो भाई है उसको फांस लिया इसने, वो जो डॉक्टर है, कर ली शादी उसने, और वो दूसरी का क्या नाम है, हया, उसकी भी मंगनी अमीरजादों में हो रही है। अब तुम्हारी बेटी रह गई, तुम्हारी बेटी ने तुमसे कहना है कि मुझे अब चांद चाहिए। तुमने अपने इस छोटे से सहन में कभी कुदरती चांद चमकता हुआ देखा है जो उसके लिए लाओगे? सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो जो वो दुबई वाला महमूद है उसमें क्या बुराई? नहीं अबू, वो दरअसल अंदर म्यूजिक बहुत लाउड था ना, तो फोन की आवाज नहीं आई। बहुत देर हो गई है बेटी, जल्दी घर पहुंचो ना। नहीं मैं बस निकल गई हूँ, आ रही हूँ। नहीं तो तुम ड्राइवर के साथ अकेली आओगी? नहीं मैं किसी मासी वासी को साथ बैठा लेती हूँ। हम लोग छोड़ेंगे तुम्हें। अब ये लोग मुझे छोड़ेंगे? अच्छा बेटी खैर से आओ, बस जल्दी आ जाओ। हाँ जी जी, इनके साथ ही आ जाऊंगी, बस अभी आ रही हूँ, खुदा हाफिज़। बजी बजी। हाँ यार वो पीछे सामान सही से रखवा देना। बोलो। नहीं आपको घर छोड़ के आना, चलो। मैं छोड़ देता हूँ चाबी। सलीम सर आ लो प्लीज बैठ। केटरिंग वाले को बिल दे देना याद से, ठीक है? मैं छोड़कर आ रहा हूँ। जी आप हो कर आए, मैं करवा देता हूँ। बैठो। उम्र में बहुत बड़ा है, एक बच्चे का बाप है, ऊपर से रंडवा है शमसा। 15 साल बड़े, एक बच्ची के बाप और रंडवे तो तुम भी थे, फिर भी मैं तुम्हें मिली ना। अरे तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं था, उसके पास तो इतना सारा पैसा है। पता है ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो पूरे ससुराल वालों को संभाल लेते हैं। और फिर जरा सोचो, तुम्हारी बेटी दुबई जाएगी, उसका अपना जाती स्टोर होगा। हाय हाय रमजान अहमद, हमारी जिंदगी में तो इससे अच्छा रिश्ता आने वाला नहीं है। ये काम तुम्हें इसी वक्त करने होते हैं? तो और क्या करूं इतनी ड्राइस के लिए, वैसे भी आपसे क्या बात करूं, नहायत बोर इंसान है आप। क्या मतलब? वैसे आया बड़ा जुल्म किया मेरे साथ,
शायान भाई तो ऐसे हैं, शायान भाई तो वैसे हैं, शायान भाई तो ये, शायान भाई तो वो। शादी करा दी धोखे से भी। तो आप ये कहेंगे आखिर क्या कमी है तुम्हारे हस्बैंड में? आप ना विटामिन हैप्पी की कमी। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई विटामिन ऐजाद नहीं हुई मैडम, समझाएं जरा आप मुझे। क्या समझाओ मियां, यू आर सो बोरिंग। मतलब ऐसा होना चाहिए ना जैसे नॉर्मली मियां बीवी के बीच में होता है, बीवी फोन करती रहती है, मियां उठाता नहीं है और बीवी जल्दी सो जाती है। टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करना चाहते हैं। यस, बहुत दिल जाता है। यानी मैं आपको कॉल करती रहूं स्काइप पर, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, और अचानक से जब फोन उठाए और मुझे गुस्सा हो और आपके लेफ्ट और राइट पे गोरियां बैठी हुई, क्या कॉफी का मग लेके, लाइक सीरियसली मैम। और उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? गुड क्वेश्चन। मेरा क्या रिएक्शन होगा? मैं अमेरिका आ जाऊंगी और आपके जो लेफ्ट और राइट पे बैठी होगी ना, उसे गोली मार दूंगी। जैसे पता नहीं है मुझे तुम्हारा। सीरियसली मैम, 28,000 क्लर्की की तनख्वाह है तुम्हारी, पूरा महीना मैं कैसे गुजारती हूँ ये मुझे पता है। देखो कितनी महंगाई है, फिर बच्चे भी साथ लगे हुए हैं। रमजान अहमद जरा ये तो सोचो, देखो हो सकता है वो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाए, कोई कोई इज्जत का रोजगार ही दिला दे। अब देखो वो बदशक्ल भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं है, ये रंडवा और जरा से फासले पर तुमने तो हवा ही बना दिया है। अच्छा सुनो, मैं आपसे बात करके देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इधर इधर, तुमने तो कहा था मैं 12 बजे आ जाऊंगी। नहीं, वो वहाँ डांस प्रैक्टिस हो रही थी ना, तो थोड़ा लेट हो गया। हैं? ये अमीर जादियाँ तुझे नचवाने के लिए लेके जाती हैं क्या? नहीं अम्मी, उनके घर में शादी हो रही है, वो खुद भी डांस कर रही थी। इधर इधर, बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई है। ये जोड़ा तो तू पहन कर नहीं गई थी? हाया का। और ये जेवर? आर्टिफिशियल है अम्मी, मन्नत ने दिए। वापस तो नहीं करने? नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं रख सकती हूँ, बल्कि हाया ने कहा उसकी शादी के पहले के काफी सारे कपड़े रख लो। तो लाई है तू? नहीं अम्मी, हाँ देर बहुत हो गई थी और अब्बू की कॉल आ रही थी और शादी हो रही थी, मैं कपड़े क्या लेके आती? अपने घर वालों के लिए कभी कोई फायदा ना करना। अच्छा बेटा, तू जाके कपड़े बदल, जाके सो जा। हाँ और हाँ, बदलते हुए जरा आराम से बदलना, फटफट आना जाए, इतना कीमती जोड़ा है। अरे साथ ही तू भी थकी हुई आई है बेचारी। हाँ हाँ, तो कौन सा नौकरी करके आई है, कभी मैं ही पहन लूंगी वो जोड़ा, मोहल्ले वालों की ना तो आंखें ही दंग रह जाएंगी। की लालची माँ का मुंह ना बंद करवाना होता तो उसके लिए एक अच्छा मोबाइल ले लेते। लेकिन प्लीज मन्नत, तुमने उसे जाते ही बताना है कि मैं क्यों नहीं आई। अच्छा, और हाँ फौरन वीडियो कॉल करना ताकि केक कटिंग के वक्त मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा मेरी माँ, मैं बता दूंगी, तुम्हें क्या टेंशन हो, तुम क्यों बैठी हुई, जाओ ना, टाइम हो रहा है तुम्हारा।
तुम निकले नहीं अभी तक दोनों? नहीं, प्लान अब कुछ यूं है कि मैं जा रही हूँ नया आपका बर्थडे विश करे उसके घर, और हाया जा रही है सैलॉन। यस, साथ जाना था ना तुम लोगों ने? जाना साथ था, अब सैलॉन का टाइम लिया, हम दोनों में से किसी एक का जाना तो जरूरी है, और मुझे उसकी लालची माँ को मनाना बहुत जरूरी है, इसलिए ना एक और मोबाइल उसके लिए ताकि वो मंगनी को उसे आने दे। वैसे तुम तीनों की दोस्ती को नजर ना लगे माशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो। थैंक यू। शहवार, शहवार कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाई? भाई चीख रहे हैं भाई। तुम क्यों गई थी खाना देने के लिए? मैंने कितनी मर्तबा मना किया है कि कोई लड़की ड्राइवरों और मुलाजमों को खाना देने नहीं जाएगी? कितनी दफा मैंने मना किया है, नहीं समझ आता तुम लोगों को? शहबाज, कितनी दफा समझाया मैंने तुम्हें कि घर के मुलाजमों और ड्राइवरों को जवान मुलाजमाएं खाना देने नहीं जाएंगी? इनके घर वाले इन्हें हमारे आसरे पर यहां भेजते हैं, कल कलां को कोई बात हो गई तो कौन जवाब देगा इनकी फैमिली को? बड़े भैया, सलीम घर पर नहीं था, कुक ने कहा कि खाना ठंडा हो जाएगा, और छोटी भाभी ने बाहर जाना था तो वो कह रही थी कि जाने से पहले ड्राइवर भी खाना खा लेंगे। तो कहाँ गया है सलीम, कहाँ चले गए थे तुम? वो सर, ये इन लोगों की चीजें लेने गया था, छालिया वगैरह स्टोर से। आवे कहा भाई बिगड़ा भाई, अब कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग, आइंदा घर की कोई भी लड़की ड्राइवरों और मुलाजमों के पास खाना लेकर नहीं जाएगी, चाहे वो भूखे मर जाएं। इतनी सी बात थी यावर, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, डरा दिया आपने मुझे। इतनी सी बात नहीं है, जब जवान लड़कियों को घर में मुलाजिम रखती हूँ ना, तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी लो, ये भी किसी की बेटियां हैं। सही है भाई, वजी की सीटी की आवाज सुन के शक्ल पे खुशी आ जाती है। क्या बात है, सारे मौजूद हैं, खैरियत? बस तुम्हारी कमी थी, आओ आओ आओ, मैं तो क्लास लेने के मूड में था सबकी, बस तुम्हारी मोहब्बत में धर लिए गए। अरे क्या बात है भाई, अरे भैया गुस्सा भी इतने प्यार से करते हैं कि। हाँ ये बात तो है, वैसे एक बात है भाई, आप माने ना माने, ये सारी औरतें हम दोनों भाइयों की मोहब्बत से जलती हैं। ये औरतें चाहती है बस इन्हीं का राज हो, इन्हीं की हुकूमत हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, हम बिल्कुल नहीं चलते, और जब हमने अपनी बात मनवानी होती है मनवा के रहते हैं। हाँ कभी कभी इनकी बात मान के इनका दिल भी रख लेते हैं ताकि खुश हो जाए। हाँ, ताकि हमारे घर के मर्दों का भरम रह जाए। आप ना ही बात करें तो अच्छा है, आप परमानेंट मेंबर नहीं है इस घर की, आपका टिकट कटने वाला है, असद के नाम की स्टैंप लगने वाली है, सो भाई लड़का तो सुन ले, लट्टू हो गया है नया पे, कहता है जब से शादी में देखा है पागल हो गया हूँ, और ये भी कह रहा था जितनी जल्दी शादी कर दे हक मेहर 20 लाख कैश दे दूंगा, और बड़ी भारी जेवर लेकर आया है दुबई से। 20 लाख? अरे हाँ 20 लाख, राजी कर लो अपने मियाँ को, क्या सोच रहा है और कब हाँ करेगा? अरे भाई मुझे क्या पता, बस चुप करके बैठा रहता है, मुझे आज का दिन दे दो, मैं बात करती हूँ, बल्कि दाल में तड़का लगाती हूँ। दाल में तड़का भी कुछ ज्यादा ही लगा ना। अच्छा ठीक है बहन, मैं चल। अच्छा अच्छा ठीक है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी हम ना मन्नत बाजी के साथ गाड़ी में आए। क्या स्कूल लेने के लिए आई थी वो? अरे नहीं, वो हम गोलगप्पे खा रहे थे ना तो वहाँ पे मिल गई थी। गोलगप्पे? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मेरे पास नहीं थे, इनके पास थे, इन्होंने खाए, मैंने तो खाए भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या चाची, मुंह क्यों बना हुआ है? भूल आई हूँ आपके लिए। ये किस लिए? वो सालगिरह तो उसकी, लेकिन मैंने सोचा चाची के लिए भी ले चलो। मेरे लिए? हाँ ठीक है। ओके भैया, ये केक फ्रिजर रख देना, खराब ना हो चाची। तोहफा मेरे लिए लेकर आई? यस चाची। इसकी क्या जरूरत थी? वो मैंने सोचा अपने दोस्त के लिए लिया है तो चची के लिए क्यों नहीं, देखे तो सही कितनी हसीन चची है हमारी, चेक करें। तूने अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा ही लिया होगा, और अपनी चाची के लिए ऐमे शर्मी है ना। मेरी मोहब्बत पे शक करिए चची, बैठ के खोले जरा, चेक करें आप। आज चची पे इतनी मोहब्बत कैसे आ गई?
हमेशा मोहब्बत करती है चाची, ये गलत बात है। अच्छा सोचा, अब चाचा को कॉल नहीं करूंगी, आपको कॉल किया करूंगी इसके लिए। हाय मैं मर जाऊं, इतना महंगा फोन। सुन तेरे पास भी यही है ना? हाय अल्लाह, मैं सबके जान। क्या किया आपने मेरी मां? नहीं मेरी, नो नो नहीं, इधर आ जा। हाय मेरी जान, हाय वैसे ऐसी सहेलियां अल्लाह सबको दे। अब खड़ी क्या है इसके लिए, कोई चाय ठंडा कुछ लेकर तो आ। इतनी बदमजा चाय बना दी, चाची चाय तो आपके हाथ में, इसी खुशी में मिला दे। अरे मैं अभी लेकर आई, बैठ चाची, तुसी ग्रेट हो यार। तो बच्चे की मां मरती है ना, तो अपने साथ उसकी सारी खुशियां, सारे अरमान, उसकी मर्जी सब कुछ ले जाती है। पता नहीं अल्लाह साहब बच्चों को क्यों नहीं ले जाता, तुम छोड़ देता है इस दुनिया में कि वो तड़पे सारी जिंदगी। तुम लकी हो कि तुम्हारी माँ नहीं तुम्हारा बाप है। अगर मुझसे खुदा पूछे ना कि मुझे तुम्हारी माँ चाहिए या बाप चाहिए, तो मैं बाप को ना पकड़ पकड़ के भेजूं कि इसको ले जाए खुदा के लिए, मेरी माँ को बख्श दे। पता नहीं क्यों चली गई, माँ में बाप बनने की ताकत है, बाप में माँ बनने की ताकत नहीं है। बल्कि अगर माँ मर जाए ना, तो बाप में बाप बनने की ताकत भी नहीं रहती। पता है नाया, अम्मी कहती है जब दिल भरा हो ना, रोना आ रहा हो, तो कोसे नहीं देती, दुआ मांगती, वो सुनता है, और वो सुनता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरे लिए मना सकते तो तुम्हारे लिए वजह को क्यों? तुम्हारा फिर देखने वाला घर, इंसान आके बैठ सकता है शराफत से, वो महलों में रहने वाला है, वो मुझे इस पागल खाने से भी आके लेके जाएगा। तेरी सोच है, तू ऐसा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, घरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी कोई बड़े घर की नहीं थी, नॉर्मल घर की थी। तू बस किसी तरह उसके दिल में घर कर ले, इस चिड़ियाघर से तुझे ले जाएंगे हम। लाडला है बड़े भाई का, हम सबका प्यारा है, बस रानी पैसे वाली हो जाएगी तू। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लेकर बस अब हाँ कह दो। देखो लड़का बहुत अच्छा है। लड़का? तुम्हारा जब रिश्ता आया था ना, तो अब्बा ने भी तुम्हें लड़का ही कहा था। वो बहुत अच्छा है और तुम्हारी बेटी को पसंद भी करता है, शुक्र मनाओ। ख्याल भी बहुत रखेगा उसका। अब देखो ना, हमारा कोई बेटा तो है नहीं जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, और फिर तुम्हारी भी बूढ़ी हड्डियों को राहत मिल जाएगी। अब देखो ना रमजान अहमद, कुछ राहत का हक तो हमारा भी बनता है, और फिर कलकलां को तुम्हारी बेटी ने अगर नैन मटक्का कर लिया तो जहां सच बोलो तुम्हें फंदा लग जाता है। कहीं नैन मटक्का कर लिया तो फिर हमारा तो हो गया ना काम, हमें तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जल्दी सोच के जरा जल्दी जवाब दो, कहीं तुम्हारी बेटी के सर में सफेदी ना आ जाए। मिर्च थोड़ी ज्यादा है, खा लो बस। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। क्या अब्बू खैरियत? इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई? उस बेटी बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है ना। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है बताओ तो सही। होना क्या है शमसा, आज से नौकरी खत्म, कंपनी बंद हो गई है। हाय अल्लाह मैं मर गई, क्या बोल रहे हो? चलो जी इसकी कमी थी, अरे जवान लड़की सर पर है और अब नौकरी से भी गए।
हया आपसे नाराज है कि मंगनी पे नहीं आ रहे आप? वो शादी पे आऊंगा ना, तुम्हें पता तो है मेरी रेजिडेंसी चल रही है। असल में सारा गुस्सा वजी का आप पे उतार रही है। क्या हुआ, तुम लोगों का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ? समझाए ना वजी को ना, आपसे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी उसे? हर कोई मेरी तरह मासूम थोड़े ही होता है। ये बहन ने कहा कि शादी कर लो, चुपचाप मान लो। तुम नहीं जानती मेरे भाई को, थोड़ा डिफरेंट किस्म का लड़का है, फैसला सुनाने में टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी, हया ने आप पर जुल्म किया है मुझसे शादी करवा के? ये कह रहे हैं भाई? जी बंद करो फोन, अभी बंद करो। ये है जरा मेरी बात कराने से। हाँ बाय बाय, मेरी बात करिए। कितने नाशुक्रे हैं, टेंशन में आ जाएगा। नया आपको गाड़ी भिजवा दी? मैंने ड्राइवर को भेज दी है, आने वाली होगी बस। चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि सैलून में लग जाएगा टाइम। ऐसे जा रही हो? वो तो जाके रेडी हूँ ना। हाँ मेक सेंस, लेट्स गो। फोन बज रहा है? तो मन्नत की गाड़ी आई खड़ी है, इंतजार कर रहे हैं। वो ही बार बार फोन कर रही है, मैं उससे मना कर देती हूँ। नहीं, 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 नहीं। रिस्क अल्लाह देता है। वो दिल नहीं जा रहा जाने को। तेरा दिल तेरे बब्बू की वजह से परेशान है ना। वो एक हल है तेरे पास भी। क्या अब? बेटी वो इस बेरोजगारी में बस यही ख्याल आया था मुझे। नहीं नहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे तुझे अच्छा लगे। आखिर ठीक है कोई नहीं, तू बस जल्दी से तैयार हो, इंतजार कर रहे हूँ। है तैयार हो जा मेरी बेटी, जाना है तूने। अच्छा है, हाँ कोई नहीं। फिर बुला लेते हैं वजी मियाँ को। हाँ तुम्हारी मम्मी के साथ रिश्ता भी तय करा लेते हैं नायक को। क्या ख्याल है? अबे ये अंकल कौन है? हाँ लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मतलब? ये अंकल जिसको मेरे अबू जबरदस्ती लड़का कह रहे, मेरा रिश्ता भिजवाया है। Are you kidding me?
जी क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूँ। यार लड़की अच्छी है, बुरी नहीं। हाँ लड़की अच्छी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है यार बिल्कुल। तुझमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, जा जा के बात करके आ, तब मानूंगा तुझे। क्या बात है, सही बात है वैसे, बात करने से बात बनती है, बात सही है। मैं बात करूं कैसे यार? ओ सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। क्या कर रहा है यार? बाय बाय बाय। हेलो बॉय। क्या कर रहा है? थोड़ी सी ज्यादा हो गई। क्यों कर रहा तेरे मुंह से बदबू आ रही है? मेरी मां की मुंह कर रहा है तू? ये हालत है, सीधा खड़ा सीधा खड़ा समझाओ यार इसे। जा अंदर जा, बड़े भैया ने देख लिया तुम्हें, शाम मत आ जाएगी। मुझे ने कहा ध्यान नहीं रहा, मेरी बात समझ, बात समझ, अंदर जाओ, रिलैक्स हो, फ्रेश हो, फ्रेश हो, अपनी हालत ठीक कर जाए। सांस सुनो, सांस सुनो, अंदर जाओ, उसको लेके जाओ। मैं जा रहा हूँ। शारिक मेरी बात समझ, चला तो जान गया, उसको लेके जाओ, लेके चलो। उसको डराना नहीं चाहिए था। लड़का दुबई में काम करता है, 20 लाख रुपए आंख में दे रहा है, अगर तू हाँ कर दे तो। अरे मेरी जान, ऐसे मुंह क्यों लटकाया भाई? हीरो को तो देखो, शेरवानी पहनी हुई है, जज पी रही है। अगर मान जाए तो तुम लोगों का निकाह बढ़ा दूँ अभी। और वो रिश्ता, तो छोड़ना रिश्ते को, दुल्हन तो मेरे घर ही बन के आएगा इंशाल्लाह। मैं को अच्छा लगता है तुम, क्यूट। बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है ना, आज से नौकरी खत्म। अरे जवान लड़की सर पर है और अब नौकरी से भी गए?